जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिश्रा एकेडमी जबलपुर में। करंट की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ईट राइट स्टेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, हाल ही में भोपाल रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराने के चलते 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्रदान किया गया है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे आखिर यह ईट राइट स्टेशन का दर्जा किसे प्रदान किया जाता है और क्यों प्रदान किया जाता है, इसका प्रारंभ कब से हुआ है, साथ ही दोस्तों यह फसाई द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यह जो प्रमाणीकरण है दोस्तों फसाई के द्वारा किया जाता है। तो इसी वीडियो के माध्यम से ही दोस्तों आगे हम समझेंगे फसाई के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें कि आगे और क्या क्या हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, तो इसी वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे दोस्तों ईट राइट मूवमेंट के बारे में या ईट राइट मूवमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए ठीक है दोस्तों, बिना समय गवाए हम इसे प्रारंभ करते हैं। बात की शुरुआत करते हैं दोस्तों हम ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से कि आखिर यह ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र होता क्या है और किसे दिया जाता है। की जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, फसाई द्वारा यह प्रमाण पत्र उन रेलवे स्टेशनों को दिया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मानक स्थापित करते हैं, और यह मानक दोस्तों खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार स्थापित होता है। अर्थात दोस्तों भोजन की गुणवत्ता के सभी मानदंडों में उत्कृष्ट साबित हुए रेलवे स्टेशन को फसाई के द्वारा यह प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। आपको बता दें दोस्तों, यह जो प्रमाणीकरण है यह ईट राइट इंडिया मूवमेंट या ईट राइट मूवमेंट का एक हिस्सा है जिसका प्रारंभ दोस्तों वर्ष 2018 में किया गया। तो हाल ही में दोस्तों हमने देखा कि भोपाल मंडल के अंतर्गत आने वाले भोपाल रेलवे स्टेशन, और दोस्तों यह भोपाल का मुख्य रेलवे स्टेशन है, ठीक है, तो भोपाल रेलवे स्टेशन को दोस्तों फसाई के द्वारा 2 नवंबर 2024 तक के लिए अर्थात 2 वर्ष के लिए दोस्तों 4 स्टार रेटिंग के इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह यह है कि भोपाल देश का ऐसा इकलौता शहर है दोस्तों जिसके 2 रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन अवार्ड प्रदान किया जा चुका है। विगत कुछ दिनों पूर्व दोस्तों भोपाल के ही रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जिसका पूर्व नाम हमें देखने मिला हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसे 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का अवार्ड प्रदान किया गया था दोस्तों। और अभी यदि हम बात करें दोस्तों वर्तमान में यह अवार्ड दिया गया है भोपाल के मुख्य रेलवे स्टेशन को, और यह दोस्तों कौन सा रेटिंग है, तो यहां हमें देखने मिल रहा है 4 स्टार रेटिंग अवार्ड। इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों साथ ही एक और अन्य महत्वपूर्ण पहलू की, तो वह हमें देखने मिलता है दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन। जब कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो हमें देखने मिलता है दोस्तों इसका आंसर है सागर। यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों एक सेपरेट वीडियो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उसके माध्यम से पहुंच सकते हैं, उसे हमने बनाया हुआ है, और उसमें आप देखेंगे दोस्तों 5 स्टार जब उसे प्रदान किया गया था तब हमने कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की वहां पर चर्चा की हुई थी। आज हम मुख्य तौर पर दोस्तों यहां पर देख रहे हैं भोपाल रेलवे स्टेशन के बारे में। तो यहां हमें देखने मिला कि 2 वर्षों के लिए है, यानी ये जो इसे प्रमाण पत्र दिया गया है दोस्तों, ये जो सर्टिफिकेट है ये कब तक के लिए मान्य रहेगा, यह मान्य रहेगा 2 नवंबर 2024 तक के लिए। और इसी के साथ आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर कंप्लीट होता है कि भोपाल भारत का एकमात्र ऐसा शहर है दोस्तों जिसके 2 रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन का अवार्ड यह प्रदान किया जा चुका है। हम बात करते हैं दोस्तों इस ईट राइट मूवमेंट की या इस ईट राइट पहल की। हमें यहां देखने मिला दोस्तों यह जो ईट राइट स्टेशन का अवार्ड है, यह प्रमाण पत्र है दोस्तों, यह प्रमाणीकरण ईट राइट मूवमेंट या ईट राइट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है। तो हम बात करते हैं ईट राइट मूवमेंट की कि आखिर यह ईट राइट मूवमेंट है क्या। तो वास्तव में दोस्तों यह सभी भारतीयों हेतु सुरक्षित स्वस्थ और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करने, देश की खाद्य प्रणाली को सुधारने हेतु फसाई की एक पहल है। यानी मुख्य तौर पर दोस्तों हमें यहां पर देखने मिलता है कि यह जो मूवमेंट है आपका, ठीक है, कौन सा मूवमेंट दोस्तों, ईट राइट मूवमेंट, यह वास्तव में एक पहल है किसकी, फसाई की। तो यहां पर दोस्तों ईट राइट मूवमेंट भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसके टैगलाइन की यदि हम बात करें दोस्तों तो इसकी टैगलाइन हमें देखने मिलती है जो कि इंपॉर्टेंट है, सही भोजन बेहतर जीवन। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा दोस्तों, आप इसे नोट कीजिएगा, सही भोजन और बेहतर जीवन। तो यह टैगलाइन आपको एक प्रश्न के रूप में देखने मिल सकती है। और इसके बाद हम बात करें दोस्तों फसाई से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। यहां दोस्तों हमें देखने मिलता है कि केंद्र सरकार के द्वारा इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम वर्ष 2006 के तहत की गई। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा दोस्तों, इसकी जो स्थापना की गई है वह केंद्र सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम वर्ष 2006 के तहत की गई। कब की गई दोस्तों इसकी स्थापना, यह भी महत्वपूर्ण है, अधिनियम भी प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है, और इसका दोस्तों हेड ऑफिस भी महत्वपूर्ण है। तो हमें यहां पर देखने मिलता है कि दोस्तों इसका जो हेड ऑफिस है, ठीक है, वो हमें देखने मिलता है दिल्ली में है। और बात करें दोस्तों कब इसकी स्थापना की गई, तो इसकी स्थापना की गई है 5 सितंबर वर्ष 2008 को। ठीक है, 5 सितंबर वर्ष 2008 को दोस्तों इसकी स्थापना की गई है, और किस अधिनियम के तहत, तो वह अधिनियम है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम वर्ष 2006। आगे यदि हम बात करें दोस्तों और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हमें देखने मिल सकते हैं, तो यहां पर महत्वपूर्ण है इसका फुल फॉर्म दोस्तों। ठीक है, फसाई के यदि हम दोस्तों फुल फॉर्म की बात करते हैं तो हमें देखने मिल रहा है यहां पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड
एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, और आगे प्रश्न के रूप में हमें देखने मिल सकता है इसकी नोडल एजेंसी, ठीक है। अर्थात दोस्तों यह जो प्राधिकरण है यह किस मंत्रालय के अधीन है, यह भी एक प्रश्न के रूप में हमें देखने मिल सकता है। तो यहां पर दोस्तों नो डाउट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय दोस्तों क्या है, इसकी नोडल एजेंसी है। इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों यह कैसा निकाय है, तो यह एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है, ठीक है, स्वायत्त वैधानिक निकाय है, यह भी हमें प्रश्न के रूप में देखने मिल सकता है। और आगे यदि हम बात करें दोस्तों अतिरिक्त कैसे कैसे यहां से प्रश्न बन सकते हैं, तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हमें देखने मिल सकता है दोस्तों फसाई से रिलेटेड, और वह यह है कि इसका एक हेड ऑफिस है जो कि दिल्ली में है, ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और इसके अलावा 7 अन्य इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः लखनऊ, कोचीन, चेन्नई, गुवाहाटी, मुंबई, चंडीगढ़ और कोलकाता में है। मैं फिर से रिपीट करूंगा दोस्तों, आप इसे नोट कीजिएगा, ये जो 7 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं ये क्रमशः लखनऊ, कोचीन, चेन्नई, गुवाहाटी, मुंबई, चंडीगढ़ और कोलकाता में है। बात करें दोस्तों फसाई के वर्तमान अध्यक्ष की, तो यहां हमें देखने मिल रहा है दोस्तों श्री राजेश भूषण जी जो हैं वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं फसाई के, और इनके पहले दोस्तों जो एक नाम महत्वपूर्ण है आप नोट कर लीजिएगा, रिया तेवतिया, ठीक है, रिया तेवतिया जी इनके पहले फसाई की मुख्य अध्यक्ष थी, और अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों अध्यक्ष, तो वर्तमान में हमें अध्यक्ष देखने मिल रहे हैं श्री राजेश भूषण जी। तो यहां पर दोस्तों आपके लगभग महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हमने जो देखा है हम उसे एक सरसरी निगाह से यदि देखें, तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है ईट राइट स्टेशन का यह जो अवार्ड है, यह जो प्रमाण पत्र है दोस्तों वह भोपाल रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया है। और इसी के साथ ही दोस्तों यहां पर हमें देखने मिला कि भोपाल देश का इकलौता ऐसा शहर है जिसे 2 ईट राइट स्टेशन का अवार्ड प्रदान किया जा चुका है। पहला अवार्ड दोस्तों रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को लेकर इसे प्रदान किया गया है, और वह 5-स्टार रेटिंग था, ठीक है। और यहां हमें देखने मिल रहा है दोस्तों जो भोपाल रेलवे स्टेशन है वह 4-स्टार रेटिंग अवार्ड है। आगे हम बात करें दोस्तों यहां पर, तो हमने देखा हुआ है कि यह पहल किसकी पहल है दोस्तों, तो यह ईट राइट मूवमेंट का एक हिस्सा है, ठीक है। यह जो पहल है ईट राइट स्टेशन अवार्ड दोस्तों किसका हिस्सा है, तो ईट राइट मूवमेंट का यह एक हिस्सा है। तो यहां दोस्तों आपके लगभग सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।